नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 11 और इस वक्त हम मौजूद हैं विश्व विख्यात सोनपुर मेला में। आप कहेंगे ये तो सोनपुर मेला की तस्वीर नहीं है। जी हाँ, सोनपुर मेला में एक अंडर वाटर फिश टनल जो कि बच्चों ही नहीं हर वर्ग के लोगों के लिए मनोरंजन का और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ, हमारी उपस्थिति अभी उस जगह है। हम आपको मछलियों की दुनिया में ले आएंगे, सिर्फ मछलियों की दुनिया में ही नहीं बल्कि रंगीन मछलियों की दुनिया में, जिसे हर कोई घर में छोटे एक्वेरियम में पालने का शौक रखते हैं। जी हाँ, हमारे पीछे आप जो दृश्य देख रहे हैं ये रंगीन मछलियों का फिश टनल है। हमारे चारों तरफ रंगीन मछलियों का विंडो एक्वेरियम टाइप का बनाया गया है, जहाँ पर हर एक प्रकार की रंगीन मछलियाँ आपको देखने को मिलेगी। और हमारे साथ उनके आयोजक हैं, उनके संचालक हैं, हम उनसे भी आपको बातचीत कराएंगे और वो सारी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि पटना का सोनपुर मेला यदि आप आ रहे हैं तो आपको हम बता दें, या आप अपने परिवार के साथ यदि आ रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए ये टनल, रंगीन मछली अंडर वाटर फिश टनल एक बहुत ही अच्छा मौका होगा घूमने का, तो इसे आप नज़रअंदाज ना करें। और ये आपको मिलवाते हैं सर से, जो यहाँ के संचालक हैं। सर, आपका द न्यूज़ 11 का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारा जो ये फिश टनल है, ये अंडर वाटर फिश टनल, एसी फिश टनल है, जिसमें पब्लिक को ये लगेगा कि हम एक विख्यात, हम समुद्र में खड़े हैं। आपके आजू बाजू ऊपर से सब जगह से फिश का रिंगिंग रहता है, जो फिश आप ऊपर से नीचे तक घूमती रहती है। और ये जो है आपके शहर सोनपुर में पहली बार लगाया जा रहा है, क्यों हमको मालूम पड़ा कि ये एशिया में नंबर 1 का मेला है, तो इस बार हम लोगों ने इसका चांस लिया और हम लोगों ने अंडर वाटर फिश टनल का यहाँ पे आयोजन किया है। इसमें कई हज़ारों प्रकार की फिशेस हैं, जो कि जीती जागती फिशेस हैं, कोई 3D या 5D फिशेस नहीं है, सब जीती जागती फिशेस हैं। दुबई से फिर हम लोगों ने इसको बना करके जो है यहाँ पे इंडिया में चालू किया है। टाइमिंग क्या होगी आपकी? टाइमिंग तो मेले का जो टाइम रहेगा वो टाइम रहेगा। जो हर का रेट क्या होगा सर? फिश टनल का टिकट का रेट तो हर जगह हम लोग कम से कम, हमको नहीं प्रोवाइड करता है 200 से कम, लेकिन सोनपुर की जनता के लिए हम लोगों ने सिर्फ 50% उसमें डिस्काउंट करके ओनली 100 रुपीज़ रखा है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए। तो 3 साल से कम बच्चों को फ्री रहेगा। पर क्या, किस किस तरह की मछलियाँ हैं मुख्य तौर पे यहाँ पे? कम से कम हजारों किस्म की फिशेस हैं। ये अपने बाहर के मुल्कों की फिशेस हैं, बाहर वर्ल्ड की फिशेस हैं, पूरे वर्ल्ड से हम लोग एकत्रित करके एक्सपोर्ट करके यहाँ पे बना करके उसको बुलाते हैं। राकेश यशपाल सबरवाल, हमारा हेड ऑफिस बेंगलोर। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ राकेश सर थे, जिनसे हम सारी जानकारी ले रहे थे फिश टनल की, और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे और सारी जो यहाँ पे एक्वेरियम में जो मछलियाँ उपलब्ध है। स्वागत है सबसे पहले हमारे। थैंक यू। तो आप हमारे साथ, हमारे जो भी आपके यहाँ मछलियाँ जो उपलब्ध है, रंगीन मछलियाँ, एक एक करके उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। ठीक है। ये तो एलिगेटर घर है जी। ये इधर का, इंडिया का नहीं है, बाहर का है, पूरा एक्सपोर्ट किया है बाहर से। कहाँ पाई जाती है? ये तो ब्राज़ील और थाईलैंड वो साइड में है ना ज़्यादा। ये और अरापैमा ये तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है। मैक्सिमम 12 फीट तक ये बढ़ेगा। 12 और ये तो इंडियन ब्रीड है, इंडियन ब्रीड भी है और बार का ब्रीड भी है। इंडियन ब्रीड में आपके से कौन कौन से प्रमुख तौर पे आपके यहाँ? ये तो तिलोपिया है और ये ब्लैक पिराना बोलेगा, वो तो इंडियन टाइप का है ये, और ओरिजिनल ब्लैक पिराना भी है हमारे पास। आपके यहाँ मतलब अभी ठंड के दिनों में मछलियों को क्या खाने के लिए देते हैं? खाने के लिए डेली चिकन देते, प्रॉन्स देते और दाना देते हैं। 2 टाइम्स दाना देते हैं और 1 टाइम दोपहर को ये चिकन देते हैं, नहीं तो प्रॉन्स देते हैं। एक दिन की यदि कॉस्टिंग की बात कर ली जाए मछलियों के खाने पे, कितना खर्च गिर जाता होगा आपको? वो तो ज़्यादा एक 2000 का ऊपर हो जाएगा। और कुछ प्रमुख मछलियों के बारे में आप दर्शकों को बताइए हमारे। और ये तो पिराना है, ये तो इंडियन टाइप का पिराना है। और आगे छोटी छोटी कुछ मछलियां हैं जो काफ़ी देखने में खूबसूरत लग रही हैं, और बच्चों को तो खैर मछलियों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है,
तो यहाँ पर जो छोटी मछलियाँ, क्या ये भी फॉरेन से ही मंगाए गए? हाँ, वो भी पूरा इंडिया में ब्रीड भी करता है और इम्पोर्ट भी कर रहा है। अच्छा। हाँ, हमारा ये फार्म है केरला में, उधर से ये पूरा मछली उधर से है। वहीं से? हाँ, वहीं से। हाँ, तो आप लोग जैसे कि अलग अलग राज्यों में जाते हैं, ये टनल लगाते हैं? हाँ, अलग अलग स्टेट में, अभी तो ऑल इंडिया में बहुत जगह में, 10-11 जगह में चल रहा है अभी। हाँ, सोनपुर के बाद कहाँ जाने वाले? वो तो मैनेजमेंट का डिसाइड नहीं, मैनेजमेंट का। हाँ। तो आप लोगों को पता कैसे चलता है कौन मछली बीमार है, ऐसा कुछ पता चल जाता होगा पहले? हाँ, वो तो उसका स्किन और देखेगा तो हमको पता चल जाएगा कुछ है और कुछ प्रॉब्लम है, वो तो उसका स्किन और सब देखेगा तो हमको। अच्छा, ये एक मछली होती है एक्वेरियम में जो लोग गंदगी साफ करने के लिए रखते हैं, कचरा खाता है वो, क्या इस तरह का आपके यहाँ कचरा नहीं है? ये तो सकर फिश बोलते हैं, ये कचरा नहीं करता। सकर फिश? हाँ, सकर फिश, ये कचरा नहीं करता। ये एक्चुअली काई है ना? हाँ, काई, काई, सिर्फ काई का है। अच्छा। हाँ, कचरा एक्वेरियम के अंदर जो काई जम जाते हैं उसको कहता है, वो कहता है। अच्छा। लोग क्या सोचते हैं पूरा कचरा, ये कचरा नहीं कहेगा। अच्छा, यानी घर में भी जो रखते हैं वो काई खाने? हाँ, काई का, पूरा ग्लास है ना, पूरा क्लीन रहेगा। अच्छा, ये पानी कितने दिनों पे साफ करना पड़ता है आप लोग? हाँ, वो तो पानी में कुछ गंदगी नहीं है तो अभी ये मछली खाना नहीं कर रहा है तो ऐसा है तो पानी चेंज करना पड़ेगा। हमको बोल नहीं सकता, मैं दो हफ्ता, तीन हफ्ता में दो क्लीन कर। अच्छा, पानी को क्लीन रखने के लिए क्या कुछ इसमें? 24 आवर्स फिल्ट्रेशन है। हाँ, फिल्ट्रेशन है और ऑक्सीजन वगैरह के लिए इसमें लगा हुआ है। हाँ हाँ, पूरा फिल्ट्रेशन है, ऑक्सीजन भी है। और अच्छा, ठंड के दिन? हाँ, ठंड का दिन है ना, हीटर रखा हुआ है, वही है हीटर। ये देखिए, ये जस्ट कॉर्नर पे देखिए, इस तरह का हीटर लगा हुआ है टनल के अंदर में, ताकि जो मछलियाँ हैं उनको एक अनुकूल वातावरण मिले और उसको ज़्यादा ठंड ना हो, ज़्यादा टेम्परेचर उनको ना झेलना पड़े, जिसके वजह से वो सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे। तो वो सुरक्षित रहे इसके लिए हीटर वगैरह लगाया गया। कितने हीटर सर टोटल लगे हुए हैं टनल में? कम से कम 100 है। 100 हीटर लगे हुए हैं एक एक टनल के अंदर में, 6-6 हीटर लगे हैं। 6-6 हीटर लगे हुए और एक एक एक्वेरियम में 2-2 हीटर लगते हैं। 2-2 हीटर लगे हुए हैं। सबसे वजनदार मछली आपके यहाँ जो ज़्यादा वजन वाला है? आगे में था ना, पेरेनेमा। वेट कैसे एक्सपोर्ट में ले करेंगे, वो तो बढ़ती रहती है, करते रहती है। फिर भी कम से कम एक 8-8, 10-10 किलो के भी फिशेस है। 20-25 का अंदर है उसका, वो मछली को बॉन्ड वेट ज़्यादा है तो दिखने के लिए छोटा होगा, वेट ज़्यादा है। अच्छा, लीक वगैरह की भी समस्या आ जाती होगी कभी कभी तो? हाँ, वो तो हम लोग क्या मोबाइल टनल है ना, इधर उधर ट्रांसपोर्ट का टाइम, ये ग्लास, ये तो गम रबर टाइप का है, इधर उधर जर्किंग का टाइम हो जाता है, बाद में ये सही होता है, एक दो दिन का बाद पूरा सही हो जाएगा। अच्छा, शीशे पर किसी तरह का चूक ना हो, इसके लिए आपके वॉलंटियर वगैरह इसमें घूमते रहते होंगे बराबर? हाँ, वो तो वॉलंटियर पूरा टाइम वॉलंटियर होता है। जब आप समुद्र के अंदर में जाते हैं, वैसे ही हम आपके सोनपुर शहर में एक समुद्र ही टनल लेकर आए हैं, तो पूरे समुद्री का इसका आपको आनंद मिलेगा और इसका मज़ा मिलेगा। अच्छा, आप कभी समुद्र के अंदर नहीं गए हैं और आपको समुद्र के अंदर जैसा फीलिंग चाहिए तो एक बार अंडर वाटर फिश टनल में ज़रूर ही आइए, क्योंकि अंडर वाटर फिश टनल में आने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि आप समुद्र की दुनिया में हैं और आपके चारों तरफ रंगीन मछली ही रंगीन मछली घूम रही है, सैर कर रही है, और आपको भी लगेगा कि आप रंगीन मछलियों के बीच में हैं, तो ऐसा फीलिंग होगा आपको। इतनी सारी रंगीन मछलियाँ हैं जो आपको एक अलग तरह का रोमांच पैदा करेगा। यहाँ पर ये एक्वेरियम में आपको घर में देखने को मिलती है, लेकिन ये आपके ऊपर, आपके आसपास चारों तरफ रंगीन मछलियां ही मछलियां हैं। क्या इसके ये फिश में पाने वाली, फ्रेश फिश में पाने पाए जाने वाली ये अलग अलग तरह की रंगीन मछलियां हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आइए आपको और भी कुछ मछलियाँ दिखाते, देखिए कितनी छोटी मछली है, लेकिन देखने में आपने शायद, आपके घर में ऐसा मछली नहीं होगा, यहाँ पर बहुत ही अलग और डिफरेंट टाइप का मछली, फॉरेन की मछली है। ये तो ज़ीब्रा है, ग्रीन ज़ीब्रा, और ये तो विडो से विडो टेट्रा। हाँ, तो ये पटना के बाजार में तो नहीं मिलता होगा? नहीं, तो सब बाहर से है, ये टोटल बाहर। यहाँ जितनी फिशेज आप हजारों प्रकार के देखोगे, सब बाहर की फिशेज है।
इंडियन फिशेज कुछ देश के नाम ले लिया जाए तो कौन कौन से देश के होंगे? ये कनाडा का है, यूएस का है, स्विट्जरलैंड का है, इसे बहुत से प्रकार के हैं। समुद्र तो पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो जहाँ जहाँ से हम लोगों को कलेक्शन मिलता है वो वहाँ से हम लोग बुलाते हैं। उस हिसाब से ये अमेज़न रिवर का है ना, वो ही ज़्यादा फिशेस ज़्यादा है अमेज़न, और थाईलैंड का ज़्यादा वेराइटीज कर सकता है। फिशेज़ की वेराइटी तो इतनी है कि जैसा कि पूछो मैं, सबसे ज़्यादा फिशेज़ में ही जातियाँ रहती है, बहुत है, बहुत आती है और बहुत जाती है। फिशेज जैसे जैसे हमारे को आती रहती है वैसे वैसे हम इसको चेंज करते रहते हैं, डालते रहते हैं। चलिए, आपको फोटोग्राफी करना है, वीडियोग्राफी करना है, सेल्फी लेना है, या फिर पूरे परिवार के साथ आप घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आपको सोनपुर मेला के अंडर वाटर फिश टनल में एक बार ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अंडर वाटर फिश टनल में आपको विदेशी मछलियों को देखने का एक अलग ही तरह का रोमांच मिलेगा। आपको अलग अलग विंडो बनाया गया है, एक्वेरियम विंडो, जहाँ पर रंगीन मछली रखी गई है, और इसमें प्रवेश करने के बाद आपको ऐसा फील होगा जैसे आप समुद्र की दुनिया में आ गए हैं। पूरी ही तरह से एकदम अलग तरह का यहाँ पर माहौल क्रिएट किया गया है और काफ़ी ही अच्छे तरह से डेकोरेट किया गया है। देखिए यहाँ पर किस तरह से, इस तरह का मछली शायद आप नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये मछली, ये कौन सी मछली है? ये तो एल्बिनो कैटफिश है। ये कहाँ पर है? ये तो फॉरेन का है ये कैटफिश, और ये तो सेनेगल है। ये साइलेंट वो ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसको इसका स्पेशलिटी क्या है, इसको दो पैर है, हाँ लेग्स है, टू लेग्स, हाँ, सो दे कैन वॉक। चलिए, और भी कुछ विंडो है वहाँ पर दिखाएंगे, और आपको यहाँ पर किस, हाँ आइए, और भी कुछ विंडो बचे हुए हैं, उस विंडो को भी और चलेंगे, किस तरह के यहाँ पर फिशेज और आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये चाइनीज ब्रीड है, अरोना सिल्वर अरोना चाइनीज ब्रीड है ये। तो ये चाइनीज ब्रीड है, आपको चाइनीज ब्रीड भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि भारत में पाई जाने वाली कुछ मछलियाँ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है, काफ़ी क्यूट लग रहा है। ये पैरेट है, येलो पैरेट और रेड पैरेट। ये तो पटना की मछुआ टोली मिलती है, मैंने देखा। हाँ वो तो मिलती है जी, एक्वेरियम में मिलती है जी। किसिंग फिश भी आपके यहाँ? किसिंग गौरम ही नहीं है, किसिंग। चलिए अब लास्ट विंडो एक बचा हुआ है, वहाँ भी आपको हम दिखा ही देते हैं। देखिए तो स्पेशल फिश है, नाइफ फिश बोलते हैं इसको, नाइफ फिश। तो चलिए आप सोनपुर मेला आ रहे हैं, यानी कि एशिया का सबसे विश्व विख्यात सोनपुर मेला आ रहे हैं, और घूमने की योजना बना रहे हैं अपने परिवार के साथ। तो पटना में जो एक बार अंडर वाटर फिश टनल लगा था, वो एक बार फिर से एशिया के सोनपुर मेला में पहली बार लग रहा है, तो अपने बच्चे और परिवार के साथ इस बार अंडर वाटर फिश टनल में एक बार आप ज़रूर आइएगा। जो मेले की टाइमिंग है वही अंडर वाटर फिश टनल की भी टाइमिंग है, मात्र 100 रुपये टिकट लग रहा है इस बार। पहले इसका जो टिकट था वो 200 रुपये था, लेकिन 50 रुपये डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट कर दिया गया है, यानी कि सिर्फ 100 रुपये में आप अंडर वाटर फिश टनल का आनंद ले सकते हैं। तो इसी तरह की तमाम खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और हमें ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।